अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अपडेट जो है वो है IRIS2 के हवाले से, जो IRIS2 FPR का नया पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है। और उसमें हम ये देखते थे कि जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो पहले FBR मालूमात के अंदर जो है वो हमें नज़र आता था कि FBR मालूमात पे हम लॉगिन करते थे और लॉगिन करने के बाद हम वहाँ से जो विदहोल्डिंग टैक्स के अमाउंट होते थे किसी भी पर्सन के, वो उठा के हम रिटर्न में वन बाय वन लिख देते हैं। लेकिन अब ये हुआ है, अपडेट ये है कि जब आप अपना FBR मालूमात जो है वो लॉगिन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉगिन किया हुआ है FBR मालूमात का और मैं हेड में हूँ विदहोल्डिंग टैक्सेस के, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हमें शो हो रही हैं जो कि नो, फॉर एग्जांपल ये 9 जून 2023 की ट्रांजैक्शन है, ये टैक्स ईयर 2023 है, ये करंट है जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इसमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं जी, एडवांस टैक्स ऑन पर्सन रेमिटिंग अमाउंट्स अब्रॉड थ्रू क्रेडिट डेबिट प्रीपेड कार्ड अंडर सेक्शन 236(y). तो ये एक सेक्शन है जी 236(y) का, जो कि डील करता है फॉरेन रेमिटेंस, यानी फॉरेन अमाउंट जो आप भेजते हो या पे करते हो फॉरेन ट्रांजैक्शन, और उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स करता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन उन्होंने पे की हुई है जी 376,900 की, और उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 3,769 रुपये का हुआ है। ये हमें FBR मालूमात में नज़र आ रहा है। पहले जब नज़र आता था तो हम इसको उठा के मैन्युअली टाइप करते थे, लेकिन अब अपडेट ये है कि जब आप मालूमात ये ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अमाउंट फेच हो जाएगी, यानी जिस पर्सन की अमाउंट है, जिस पर्सन के नाम पे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके नाम पे ऑटोमेटिक उसके पोर्टल में आ जाएगा। और यहाँ पे अभी देख लें, FBR ने ये भी यहाँ पे लिख दिया है कि विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन एज़ रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी प्लीज़ मॉडिफाई एज़ पर एक्चुअल रिकॉर्ड, यानी वो कह रहा है कि जी हमने जो अमाउंट लिखी है ना वो हमने थर्ड पार्टी के उस पर लिखी है, लेकिन आप अपने एक्चुअल रिकॉर्ड के मुताबिक लिखें। तो आप ये देखें कि ये वाली अमाउंट और ये अमाउंट जो है वो सेम है, और ये दोनों अमाउंट, ये जो अमाउंट्स हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच हो गई है पर्सनल रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू, यानी अब आपको मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुए हैं, बल्कि ये ऑटोमेटिक जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और FBR मालूमात में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे उनके पोर्टल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आपने बस उसको चेक करना है कि क्या ये अमाउंट उतनी ही है जितनी वाकई में डिडक्ट हुई थी। तो ये एक अपडेट थी IRIS2 के हवाले से, जो कि IRIS1 में यानी पिछले पोर्टल के अंदर आपको मैनुअल लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब ऑटो फैच हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी आसानी है, और वैसे भी नया सिस्टम है, थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। लाइक जब कोई भी नया पर्सन इस चीज़ को देखेगा तो वो कहीं डबल ना इसको लिख दे, तो अगर ऑटो फैच हो गई है तो आपने चेक कर लेना कि जी वो ऑटो फैच हो गई है दोबारा लिखने से पहले। तो ये थी जी आज की अपडेट, और होपफुली कि आपको इससे एक नई चीज़ पता चली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नई वीडियोज़ के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।